मार्केट सेटेल में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। तो आज 20 शेयर के साथ हम फिर से तैयार हैं। उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन में भी आपको बेहतरीन कॉल्स ही मिलेंगी। तो शुरू करें आज की 20 कॉल्स। और मेरे आज के पहले दो शेयर्स हैं जिसमें आपको ध्यान रखना है। उसमें गिन्नी फिलामेंट, पहला टेक्सटाइल का एक शेयर है। देखिए, सरकार बहुत हेल्प कर रही है अलग अलग सेक्टर्स की। अब 2019 के अंदर 14 इलेक्शंस हैं, सरकार कैसे टेक्सटाइल जहां पे लेबर इंटेंसिव यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लेबर है, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब होती है, उस सेगमेंट को नहीं छोड़ सकती। उसको लेकर भी बड़े रिफॉर्म सरकार लेके आ सकती है, क्योंकि अब टेक्सटाइल की ज़्यादातर कंपनी ऑटोमेटेड है। कुछ छोटी कंपनीज पर आप ज़्यादा ध्यान रखिएगा जहाँ पर सरकार का फोकस रह सकता है। गिन्नी फिलामेंट उसमें से एक है। इसमें दो इंपॉर्टेंट ट्रिगर, एक तो ट्रिगर हमने आपको बताया कि सरकार रिफॉर्म के प्रोसेस में आगे है, और दूसरा इसकी एवरेजेस है जो हमको इसके चार्ट देखने पर पता लगे। आज ही पहली बार कई दिनों के बाद 200 डे के ऊपर आया, यानी कि 200 दिन की एवरेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर भी पहुंचा है। तो ये शेयर एक आज का कंटेंडर हो सकता है, चल सकता है। 54 का टारगेट रख के इसमें खरीदारी करें, 46 का एक स्टॉप लॉस रखना होगा। दूसरा शेयर मेरी तरफ से है इंडो काउंट। ये भी एक टेक्सटाइल की कंपनी है, लेकिन ये वादा की कंपनी है। और इस नवंबर सीरीज के अंदर इंडो काउंट के अंदर रोल ओवर की पोजीशंस काफी स्ट्रांग थी, और ये हमको कल हेमंत ठुकराल ने भी उनकी तरफ से हमको कॉल मिली थी। कल हमने इसके जब डाटा स्टडी किया, कल काफी बेहतर था। कल इन्फीबीम हमने आपके सामने रखा था, लेकिन इंडो काउंट भी चलने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये रोल ओवर का अच्छा बेस लेके आया है, टेक्सटाइल वाला बज इसके पास है, और डाटा अच्छे हैं। तो तीनों चीजों पे हमारी तरफ से आज इंडो काउंट भी एक वादा का शेयर है। 133 रुपए का टारगेट है और 120 का एक स्टॉप लॉस रख के आप सौदा उठा सकते हैं। तो दो शेयर इंडो काउंट और गिन्नी फिलामेंट, टेक्सटाइल और टेक्निकल बेसिस इन दोनों पर है। और साथ ही डिम्पी, ये जो आपका परंपरा आप मुझसे जो रोज करवाते हैं ना, आपको हमेशा कॉन्ग्रेचुलेट करने की, ये जारी ही रहनी चाहिए। आई थिंक क्योंकि जो BHEL है ना शेयर, जो आपने बताया था, आई थिंक अंत में आपने ये भी कहा था कि रोल ओवर मैं नहीं देख कर आया हूँ, वो काफी स्ट्रॉन्ग अगर होगा तो और अच्छी बात होगी, और वो उसी तरीके का मूव हमने कल देखा। बिल्कुल, BHEL करीब 9% ट्रिगर नहीं था उसके पास, सिर्फ नंबर उसके अच्छे आने थे। हमने सिर्फ डाटा ही स्टडी किया, इसके अलावा रोल ओवर मिस था मेरे पास जी, लेकिन अच्छा चला। अच्छा चला, अगर आंकड़े होते तो शायद और अच्छा चल जाता, मुझे तो ये लग रहा है। चलिए उम्मीद यही करते हैं। और आज का आपका पहला शेयर ऑलरेडी 7% छू गया है, ये भी मैं आपको अपडेट दे दूं। चलिए इसी के साथ जो मेरे पास आज के पहले दो शेयर्स हैं उन पर भी नजर डाल लेते हैं। मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर थीम को चुना है, जो कि हम लगातार बात भी कर रहे हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस पर काफी ज्यादा फोकस है, स्पेंडिंग काफी ज्यादा कर रही है सरकार, और इसी में PNC इंफ्रा को मैंने आज के लिए चुना है। जो 5 दिनों से लगातार खरीदारी देखने को मिल रही है, आज भी मोमेंटम जारी होते हुए नजर आएगा। इनफैक्ट बीते 5 सेशंस में 20% से भी ज्यादा का उछाल हम PNC इंफ्रा में ऑलरेडी देख चुके हैं। आज के लिए जो आपको मैं टारगेट्स बता रही हूं 195 के हैं, स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए 186 के लेवल्स पर। साथ ही गुजरात फ्लोरो, ये आज का मेरा अगला शेयर होगा। लगातार आप हमारे इस फास्ट मनी शो में देखते भी जा रहे हैं कि जो गुजरात बेस्ड कंपनीज हैं उन पर काफी ज्यादा फोकस है, क्योंकि आगे जाते हुए जो इलेक्शंस आने वाले हैं उनके पहले ह्यूज रनअप इस पूरे ही स्पेस में देखने को मिल रहा है। ह्यूज बूस्टर, पॉपुलिस्ट मेजर्स, इन सबकी अनुमान लगाया जा रहा है। बीते 4 दिनों में लगातार तेजी के साथ ये शेयर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इनफैक्ट 4 सेशंस की अगर बात करें तो 30% तक का उछाल ये शेयर ऑलरेडी दे चुका है। आप यहां पर अगर पोजिशन ले तो ये 920 तक टारगेट्स अचीव करा के दिखा सकता है, और 892 का आपको यहां पर एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करके चलना होगा। चलिए संदीप से भी जान लेते हैं उनके शेयर्स। साक्षी, आपका PNC इंफ्रा काफी अच्छा मूव कर रहा है, जैसे आपने बोला उसमें देखिए जो मूव है वो और ऊपर की ओर देखने को मिला है। जो पहला शेयर मेरी लिस्ट में है, आज एक ऑफशोर स्पेस की कंपनी है, डॉल्फिन ऑफशोर, इस पे आप नजर रखिए। देखिए कल साक्षी, इनफैक्ट आपने सेलान एक्सप्लोरेशन बताया था, मुझे याद है, काफी स्मार्ट मूव देखने को मिला था उस काउंटर में। एक ही दिन में 15-16% के आसपास का मूव देखने को मिला था। तो मैं डॉल्फिन ऑफशोर पे दरअसल इसलिए बैठ कर रहा हूँ, एक तो ऑफशोर शेयरों में मूव है ही है, उसके साथ साथ इस कंपनी को ONGC से डायरेक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो मिलते हैं। वैसे भी सरकार का जो पूरा फोकस है 2022 तक जो क्रूड का इंपोर्ट है देश में उसे 10% कम करने के ऊपर है, और जो गैस का पूरा कारोबार है जो कि 6% के आसपास है उसे बढ़ाकर 15% करने की चाहती है सरकार। तो कुल मिला के देखा जाए जो ऑफशोर सेवाएं प्रोवाइड करती हैं, इक्विपमेंट प्रोवाइड करती हैं, वो कंपनियां लाइमलाइट में रहेंगी, और ONGC अगर इसमें सबसे ज्यादा भागीदारी निभाएगा तो डॉल्फिन ऑफशोर के हाथ बड़े प्रोजेक्ट लग सकते हैं। इसलिए मैंने इसे चुना है आज के लिए। 110 रुपए का टारगेट प्राइस है, 102 रुपए के आसपास का आपको इसमें स्टॉप लॉस रखना होगा। एक ना सभी इंफ्रा की बातचीत कर रहे हैं कि इंफ्रा के लिए इतने प्रोजेक्ट्स मंजूर किए गए, 7 लाख करोड़ के आसपास के प्रोजेक्ट्स हैं, तो उसके लिए एक तो जो इक्विपमेंट्स है उसकी जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए एक्शन कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी अगर आप देखें 2-3 दिन से काफी अच्छा मूव दिखा चुका है, और दूसरी जरूरत पड़ेगी इक्विपमेंट्स की। तो श्रेय इंफ्रा अगर आप देखें, इसकी एक आम है श्रेय इक्विपमेंट फाइनेंस, जो कि इंफ्रा इक्विपमेंट फाइनेंसिंग के कारोबार में है, उसका IPO आने वाला, जिसके जरिए करीब 2000 करोड़ रुपए के आसपास की रकम जुटाएगी। एक तो इनकी खुद की जो इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के लिए फाइनेंसिंग है वो बढ़ेगी, और दूसरा जो
इक्विपमेंट फाइनेंस कारोबार की कंपनी है, उसका आईपीओ भी आने वाला है। तो डबल प्ले है श्रेय इंफ्रा में, जो कि इस काउंटर को मूव कर सकता है। 125 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं आज ही, आज 170 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। चलिए अब अनीशा के पास चलते हैं। अनीशा, पहले तो आपकी तबीयत कैसी है और स्टॉक्स बताइए कौन से? लाई हूँ सबको दिखाने के लिए और सबके सामने मैं दवाई पी रही हूँ, उसका असर भी हो रहा है। आज हमने देखा है कि लेकिन कल आपको डिम्पी ने कचौड़ियाँ खिलाई थी, उसका भी असर नहीं नहीं उसको मैं आई कैन नॉट ब्लेम डिम्पी, आई एंजॉय देम, इट्स गॉट नथिंग टू डू विद माय हेल्थ। मेरा मानना उसी से सही होंगी, आप आज फिर से खा लीजिए। हाँ चलिए मैं वेट करती हूँ अगर वो कचौड़ी मिलेंगी या नहीं। पर जो स्टॉक्स मैं लेके आई हूँ, दवा की बात कर रहे थे, कुछ लोगों के लिए दवा ही है। हम देख रहे हैं कि आज लिकर स्टॉक्स में बहुत अच्छा मूव है। आज यूनाइटेड स्पिरिट्स में आज जो अर्निंग्स आई उससे वो स्टॉक्स 14% ऊपर है। पर हमारा जो स्टॉक जो मैं पिक करके आई हूँ वो है सोम डिस्टिलरीज, उसमें आप टारगेट रख सकते हैं 192 का, स्टॉप लॉस रहेगा 185 का। सेकेंड क्वार्टर में कंपनी के नतीजे भी अच्छे आ सकते हैं अगर हम यूनाइटेड स्पिरिट्स को एक प्रेसिडेंट मानते हुए चले। और ऑफशोर स्पेस भी फ्लेवर में है। मेरा जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है अबान ऑफशोर, उसमें आप टारगेट रख सकते हैं 206 का, ये अच्छा 206 के पास ही है। पर आप इसका ऊपर का भी टारगेट रख सकते हैं और स्टॉप लॉस आप 202 का रख सकते हैं। ऑफशोर स्पेस में हम देख रहे हैं खरीदारी आ रही है, एक्सपेक्टेशन है क्रूड ऑयल प्राइसेस यहाँ से बढ़ेंगे और जो ऑर्डर्स है ऑफशोर कंपनीज के लिए वो भी इम्प्रूव होते रहेंगे। तो ये दो स्टॉक से बेहतर 7.5% चढ़ गया वन ऑफशोर, अब अन ऑफशोर 7.5% और सोम इंडस्ट्रीज का सोम भी पूरी तरह से रंग दिखा रहे हैं, तो सोम रस आज चल रहा है। जेके टायर आप इस पे ध्यान रख सकते हैं। टायर कंपनीज देखिए वैसे भी इस पूरी क्वार्टर के अंदर या इस सीरीज के अंदर ज्यादा नहीं चली हैं, ये बहुत अच्छा चलते हैं जब भी ऑटो सेल्स के नंबर आने वाले होते हैं या आ चुके होते हैं, अभी नंबर्स आने वाले हैं। और इस बार जो नंबर्स आएंगे वो फेस्टिवल सीजन के सेल्स के नंबर भी आएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर 300,000 यूनिट बेच दी थी हीरो मोटोकॉर्प ने, तो सभी कंपनीज इसका फायदा उठाएंगी जो एंसिलरीज में, टायर पर भी ध्यान रखिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनके जो रबर के प्राइजेज हैं उसका सबसे अच्छा क्वार्टर यही है, इनके पास कुछ स्टॉक पड़ा रहता है जो पुराना रबर था उसका स्टॉक का इंपैक्ट अब आएगा, इस क्वार्टर में आएगा। 158 रुपए तक के टारगेट के लिए आप इसमें ध्यान रखें, ना केवल ये शेयर चलेगा, हो सकता है स्टार कंपनी सारी चल जाएं। 145 के टारगेट के लिए आप इसमें ध्यान रख सकते हैं। एक और शेयर है मेरी तरफ से, वह सुंदरम फास्टनर का, आप इस शेयर पर भी ध्यान रख सकते हैं। सुंदरम फास्टनर के अंदर भी मजबूती देखने को मिल सकती है क्योंकि यहाँ पे ये टीवीएस की एक आम है, होल्डिंग कंपनी है, ये ऑटो एंसिलरीज की है, ज्यादातर प्रोडक्ट सुंदरम फास्टनर के ये ऑटो प्रोडक्ट्स बनाती है और इसका फायदा इसको भी मिलेगा। तो ऑटो एंसिलरीज अगर आप इस ऑटो सेल्स के नंबर के साथ कुछ देखना चाहते हैं तो टीवीएस का ये सुंदरम फास्टनर एक अलग से शेयर है, इस पर आप ध्यान रख सकते हैं। हीरो के दो शेयर ऑलरेडी मेरे सहयोगी ने आपको बताया था, एक तो शिवम ऑटो था और साथ ही मुंजाल ऑटो, तो एक आप और ऑटो कंपनी है जो इसी तरह का एक रखते हैं मुंह, इसमें आप ध्यान रख सकते हैं। अच्छा एक और शेयर मेरी तरफ से जो लास्ट शेयर होगा आज का वो है गति लॉजिस्टिक्स, शेयर्स पे आपको ध्यान रखना है। लॉजिस्टिक्स के नंबर इस बार शानदार आने वाले हैं और वैसे भी जीएसटी का बेनिफिट ऑल टुगेदर पूरी तरह से खत्म या इनके तो फेवर में ही था, वैसे भी वो पूरी तरह से फेवर में आके रुक जाएगा, तो इस बार के नंबर्स नोटिसेबल नंबर होंगे सभी लॉजिस्टिक कंपनीज के, स्पेशली गति। ये ज्यादा मूव करा भी नहीं है, चला भी नहीं है, एवरेजेस के ऊपर खड़ा हुआ है, 123 तक चल सकता है, 115 का स्टॉप लॉस रखें। मेरी तरफ से आज का सुपर हिट गति है। एब्सोल्युटली, चलिए और मेरी तरफ से भी फटाफट से तीन और जो शेयर्स हैं वो जान लेते हैं। सोमरस की बात करें निशा ने, मैं भी स्पिरिट्स हाई रखने की बात करती हूँ। फ्राइडे फैक्टर है तो पिंकॉन स्पिरिट्स को हम नहीं भूल सकते। यूनाइटेड स्पिरिट्स ने ऑलरेडी सबकी स्पिरिट्स हाई जो की है, उसके बाद ये जो पूरा स्पेस है आज डेफिनेटली फोकस में रहेगा। इनफैक्ट पिंकॉन स्पिरिट्स के भी नतीजे आने वाले हैं और नतीजे यहाँ पर परेशानतर रहेंगे। मुनाफे फ्रंट पर आप देखिए 30-35% तक का उछाल आ सकता है, ऐसा बड़े ब्रोकरेज हाउसेस का मानना है। इस शेयर पर आप बेट कीजिए 66.5 के टारगेट्स के साथ, 63 का आप एक स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। इसके अलावा मेरी जो दो और कॉल्स हैं वो बैंकिंग स्पेस है और दोनों में ही सेल की सलाह दे रही हूं मैं। आईसीआईसीआई बैंक नतीजों से पहले आप देख रहे हैं थोड़ा सब्ड्यूड एक्शन भी है और भी नीचे ये शेयर जा सकता है क्योंकि एनपीएस बढ़ने की आशंका बढ़ती हुई नजर आ रही है क्वार्टर टू में। नतीजों से पहले आप यहां पर सेल की कॉल ले सकते हैं, 289 तक ये जा सकता है, 296 का पर आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए। इसके अलावा यूनियन बैंक जो आज का मेरा सुपर हिट शेयर और ये भी सेल कॉल के तौर पर ही मैं ले रही हूं, दो दिन की जोरदार तेजी के बाद अब शेयर में मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है क्योंकि दो दिनों में 42% तक का उछाल ऑलरेडी ये शेयर दिखा चुका है। 171 के टारगेट्स तक ये नीचे जा सकता है, 178 का आप एक स्टॉप लॉस ऊपर लगा सकते हैं। संदीप
हर कोई वीकेंड की बात कर रहा है, लेकर स्टॉक्स चल रहे हैं, तो मुझे लगता है मुझे भी एक स्टॉक उतार देना चाहिए। बिल्कुल। मैंने तिलक नगर इंडस्ट्रीज को चुना है। देखिए, यूनाइटेड स्पिरिट्स एक ऐसा स्टॉक है जिसमें आप देखिए पूरी जो टर्नराउंड स्टोरी है वो प्ले आउट हो रही है, जिस वजह से आप देखिए 15% तक का जो मूव है आज इतने बड़े शेयर में भी देखने को मिला है। इसीलिए मैंने तिलक नगर को चुना जिसमें अब टर्नराउंड का जो सिनेरियो वो बिल्ट अप होता हुआ नजर आ रहा है। तो हो सकता है कि वैसी ही चाल है जो तिलक नगर इंडस्ट्रीज में भी आज देखने को मिले। अच्छे नंबर्स की उम्मीद में यहाँ खरीदारी करें तो 16.5 ये आपका दिन के दौरान टारगेट प्राइस हो सकता है। इसके अलावा एक जो सुबह 7:30 बजे हम शो में आपको बताते हैं ना 20 कॉल्स, उसमें एक जो बड़ा मिस था आज के लिए मेरे हिसाब से वो था इरीगेशन स्टॉक्स। जैन इरीगेशन को देखिए, उसके DVR को देखिए, काफ़ी अच्छा चल रहा है। आज मैंने EPC इंडस्ट्री इसी इरिगेशन से जुड़ी हुई कारोबार की कंपनी है उसको मैं लेके आया हूं। दरअसल इरिगेशन सेक्टर के स्टॉक्स तो अच्छे चल ही रहे हैं, लेकिन नितिन गडकरी जो है उनकी ओर से ऐसा बयान आया था कल शाम को, मैंने पढ़ा भी था कि 3 महीने में 80,000 करोड़ रुपए के इरिगेशन प्रोजेक्ट शुरू हो जाएंगे। तो जाहिर सी बात है जैन इरिगेशन और ऐसे कारोबार से जुड़ी हुई जितनी भी कंपनीज हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा एक जो एक कारोबार है वो खुलता हुआ दिखेगा। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि EPC में भी इसका जो मूव है वो आना लाजमी है। 195 रुपए का टारगेट प्राइस लेके आप यहां पे कारोबार कर सकते हैं। मेरी तरफ से आज का जो सुपर हिट शेयर है वो एक इंफ्रास्पेस की कंपनी है, कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्पेस की कंपनी है मधुकोन प्रोजेक्ट्स। देखिए 7 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स, भारतमाला, ये तो सब बातचीत जानते हैं। मुझे जो दो चीज़ें सबसे अच्छी लगी इस कंपनी में वो ये है, एक तो इसके जो वैल्यूशन है 10 के आसपास के P/Multiples हैं, इस कंपनी के वैल्यूशन बेहद अट्रैक्टिव है। और दूसरी बात, ये कंपनी एक्सप्रेस वे हाईवे के अलावा ना कैनाल्स बनाने के कारोबार में है। और कल जो नितिन गडकरी की ओर से बयान निकल के सामने आया उनका ये भी कहना था कि ये जो रिवर कनेक्टिविटी वाले करीब 30 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि एनुअल में बहुत जल्द अनवील हो सकते हैं। तो ये एक ऐसी कंपनी जो कि हो सकता है कि जो रिवर कनेक्टिविटी वाली पूरी जो स्टोरी बिल्डअप होने वाली है उसमें सबसे बड़ी बेनिफिशियरी के तौर पर सामने आए। मुझे लगता है कि जिस तरह के वैल्यूएशन है और जिस तरह का कारोबार आने वाले समय में आ सकता है बड़ी तेजी इसमें देखने को मिल सकती है। आज के लिए 37.70 का टारगेट प्राइस, 34 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। अनीशा, आज हम मेटल स्टॉक्स में काफी तेजी देख रहे हैं। कल डिम्पी ने BHEL आइडेंटिफाई किया था, सेल भी बहुत अच्छा चला था और सेल अभी भी बहुत अच्छा कर रहा है। मैं एक और सरकारी मेटल कंपनी को लेके आई हूँ और यह है NMDC। आप NMDC पे टारगेट 135 का रख सकते हैं। दो दिनों में शेयर लगातार दो दिनों से हम अभी तक दो दिन में 8% हो चुका है ये शेयर, तो लगता है ये मोमेंटम जारी रहेगा। NMDC को आप खरीद सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस भी एक ऐसा है जहां हम इंटरेस्ट देख रहे हैं, तो IRB इंफ्रास्ट्रक्चर मेरी तरफ से एक और शेयर है। यहां टारगेट 248 का है। 5 दिनों में हमने देखा है कि इस शेयर में 16% का उछाल आ चुका है। और एक कॉमन थीम ये है कि बैंक्स में अब थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आएगी, तो मेरे भी रिकमेंडेशन है कि आप कॉर्पोरेशन बैंक पर सेल कर सकते हैं। टारगेट 43 का रहेगा। दो दिन से हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ा उछाल आया, 25% नियरली ऊपर है और अब थोड़ी सी मुनाफा वसूली हो सकती है स्टॉक में। ठीक है, तो यहाँ पर सारे शेयर्स पूरे हुए, 20 के 20 शेयर। उम्मीद करते हैं कि इस नई सीरीज और इस हफ्ते का आखिरी दिन के अंदर आपको अच्छा मुनाफा देके जाएंगे। तो अच्छे वीकेंड्स की तैयारी कीजिए इन्हीं 20 शेयर के साथ। उम्मीद कर रहे हैं कुछ प्रॉफिट आ चुका होगा, कुछ प्रॉफिट आ जाएगा, तो तैयार रहिए बेहतर प्रॉफिट्स के साथ।